उधर एक ओर जहां आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर तांडव मचाने निकल पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में देवेंद्र कुला वेल्लार समुदाय आरक्षण छोड़ने के लिए आमादा है। ऐसे समुदाय के लोग पुछा तमिल आगम पार्टी के बैनर तले लाखों की संख्या में जुटे और आरक्षण छोड़ने का ऐलान किया। हिंदुस्तान के इतिहास में नए अध्याय को जोड़ने के लिए लोग मदमस्त होकर निकल पड़े हैं। खुद को आरक्षण की बेड़ियों से आजाद करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर हैं। जश्न मनाया जा रहा है, लोग नाच गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आरक्षण की बैसाखी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो खैरात जो देश को आरक्षण की आग में सुलगा रही है, भाई को भाई के खिलाफ खड़ी कर रही है। हम तमिलनाडु का देवेंद्र कुला वेल्लार कम्युनिटी है, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी काम करने वाला है। हमको एससी कास्ट में हमको जबरदस्ती उसमें डाला गया। हमको इज्जत चाहिए, हम यही चाहते हैं। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको इज्जत चाहिए। हम तमिलनाडु का रहने वाला है, हमको जबरदस्ती ये कर रहा है। देश में एक तरफ आरक्षण के लिए जहां लोग सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु की एक जाति है जो आरक्षण छोड़ने के लिए आमादा है। बजाबता वो आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्र कुला वेल्लार समुदाय के ये लोग एससी कैटेगरी में आते हैं, यानी सरकार की सूची के मुताबिक ये लोग दलित हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन्हें दलित कहलाना पसंद नहीं। देवेंद्र कुला वेल्लार समुदाय को राजनीतिक दल का भी समर्थन प्राप्त है। दरअसल राजनीतिक दल इसी समुदाय का है और इस राजनीतिक दल का नाम है पुथिया तेमुलगम पार्टी। ये पार्टी दरअसल एक खास समुदाय को लेकर अपने वजूद पर बनी हुई है। जाहिर तौर पर आंदोलन आरक्षण के विरोध में है और समूची कम्युनिटी जो है वो एकजुट होकर खड़ी है। तो एक तरह से राजनीतिक धारा भी इससे बंधी हुई है और दूसरी तरफ से जो सामाजिक प्रवाह है वो भी इससे मिला जुला दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों के बीच में अगर कुछ स्थित है, अगर कुछ समाहित है, तो वो है एससी क्लास से बाहर निकलने का जज्बा, एससी क्लास से बाहर निकलने का जोश, एससी क्लास से बाहर निकलने के लिए आमादा ये तमाम लोग। और इसी ध्येय के साथ, इसी लक्ष्य के साथ यहाँ ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। मंच पर अगर हम आपको बताएं तो इसे यूथ फॉर इक्वालिटी का भी समर्थन प्राप्त है। यूथ फॉर इक्वालिटी जो पिछले एक दशक से ज्यादा से लड़ाई लड़ती रही है आरक्षण के खिलाफ और जातीय समानता की बात को लेकर आगे बढ़ती रही है, वो भी इस लड़ाई में शामिल है। समुदाय के लोगों का कहना है कि दलित समुदाय से होने के कारण समाज में इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है और ऐसे में इनके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचता है। लिहाजा इन्हें आरक्षण नहीं बल्कि आत्मसम्मान पसंद है। इस आंदोलन को समर्थन देने वाली पार्टी के नेता कृष्णा सामी का कहना है कि अनुसूचित जाति में होने की वजह से समुदाय के लोगों के साथ अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है, जिससे समुदाय के लोग खुद को अपमानित महसूस करते हैं। वी आर रॉन्गली इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर लॉस्टिंग अवर आइडेंटिटी फर्स्ट वी लॉस्ट अवर प्राइड वी कुड नॉट डेवलप इन अदर एरियाज we may be getting our people may be getting 1-2% in government jobs but 90% of the people are not able to go because of this SC stigma that is why we are ready to quit from the scheduled caste list। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन को राष्ट्रीय समर्थन देने वाली यूथ फॉर इक्वालिटी के नेताओं ने इस यूनिक आंदोलन को देशव्यापी बनाने का ऐलान किया है। ये हमारे देश के लिए एक आई ओपनिंग फैक्ट है, जहां पर गवर्नमेंट सबको इनलिस्ट कर रही है, ये लोग लिस्ट से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट है पूरे जो देश की पॉलिटिक्स है, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसके अगेंस्ट जा करके ये मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हम पहले बनना चाहते हैं जिन्हें लिस्ट से बाहर निकाला जाए। इस जातीय और राजनीतिक सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक इस लड़ाई को ये लोग अब न सिर्फ चेन्नई बल्कि दिल्ली तक ले जाने के मूड में हैं। तो आरक्षण नहीं चाहिए इस शोर के साथ और इस जोर के साथ जैसे लोग यहाँ डटे हुए हैं, इनके जज्बे को देखकर साफ समझ में आ सकता है कि इनकी फीलिंग क्या है, आखिर क्यों ये उद्वेलित हैं, आखिर क्यों ये आरक्षण के खिलाफ इस जंगी मैदान में उतरे हैं, आखिर क्यों इज्जत इन्हें प्यारी है। आरक्षण नहीं, ये एक अलग तरह की सोच है, ये एक अलग तरह का परिवेश है और एक अलग तरह की समझ को हम भी यहाँ पर विकसित कर पा रहे हैं।
जुड़े सुभाष चंद्र के साथ मोविंद कुमार न्यूज नेचर। दिल्ली से दूर तमिलनाडु के मदुरई में हो रहे एक आंदोलन ने देश की सियासत से लेकर आम आदमी तक सबकी निगाह इस आंदोलन पर टिक गई है। ये आंदोलन कुलावेल्लार समुदाय का है जिसे आरक्षण नहीं चाहिए बल्कि समुदाय को सम्मान चाहिए। आरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए, आरक्षण के लिए मांग के लिए हिंसा करते हुए तो इस देश ने कई आंदोलन देखे हैं, लेकिन आरक्षण की बेड़ियों को उतार फेंकने का जश्न तमिलनाडु के मदुरई में हो रहा है। देवेंद्र कुलावेल्लार समुदाय के ये लोग एससी क्लास में आते हैं, लेकिन अब इन लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए बल्कि आत्मसम्मान चाहिए। स्वाभिमान की इस लड़ाई में समुदाय की महिला शक्ति भी पीछे नहीं है, वो भी इस लड़ाई में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। एक उत्सव का माहौल यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उत्सव के माहौल में यहाँ पर देखें तो तमाम महिलाएं यहाँ जो शिरकत करने आई हैं, जाहिर तौर पर एक अलग रिचुअल्स को भी यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हैं। खास तौर पर इनके अगर सर के ऊपर आप देखें तो कलश आपको दिखाई देगा और इस कलश में अगर आपको हम दिखाना चाहें तो इस कलश में ये जाहिर तौर पर जल लेकर आई है, मिल्क लेकर आई है, कई अलग अलग अगर आप यहाँ पर देखें इनके कलश में, तो साथ ही नीम का पत्ता और फूल लेकर आई है। और दरअसल किसी भी रिचुअल में ये माना जाता है कि अभिषेक के लिए जो कलश के साथ कहीं ना कहीं जो जल और दूध होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर तौर पर भले ही ये राजनीतिक रैली हो, भले ही आरक्षण को छोड़ने की रैली हो, लेकिन यहाँ भी पवित्रता और खास तौर पर उत्सव के समूचे माहौल को जो है वो आप देख सकते हैं और उसी माहौल के साथ जो है वो लोग इंजॉय करते हुए आपको दिखाई देंगे। वेलार समुदाय के लोग आरक्षण की बेड़ी को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण के बदले सम्मान चाहते हैं। अभी हम लोग डिसाइड करता है वो बाहर निकलने के लिए, वो हमारा साथ से वो दो तीन कैसे है वो इसी पे रहता है, वो हमारा साथ पीछे रहता है, वो हम क्या क्या आप लोग ऐसी नहीं रहना चाहते, रहना चाहता है नहीं, रहना चाहता है। देवेंद्र कुलावेल्लार समुदाय की आबादी करीब 60 लाख है। इस समुदाय के लोग खासकर मध्य, पश्चिम और दक्षिण तमिलनाडु में रहते हैं। वेल्लार समुदाय के लोग अपनी इस लड़ाई को चेन्नई से दिल्ली तक ले जाने की बात कह रहे हैं। पिछले दिसंबर में भी इस समुदाय के लोग अपनी मांग के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, मदुरई।